नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। दुबई में इंडियन क्रिकेट लीग चल रहा है, वहां पर सट्टा भी लग रहा है, लेकिन बिहार में भी सट्टा लग रहा है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि 10 लाख लोगों को सरकारी रोजगार देंगे। उसके अगले दिन नीतीश कुमार कहते हैं कहाँ से देगा रोजगार। उसके अगले दिन बीजेपी का मैनिफेस्टो आता है और उसमें लिखा रहता है 19 लाख बिहारवासियों को रोजगार देंगे। अब समस्या समझिए कि 10 लाख और 19 लाख सट्टा पे सट्टा लग रहा है, लेकिन बिहार के नौजवानों को रोजगार कितना मिला, आइए हम जानते हैं। रोजगार की स्थिति है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। नीतीश कुमार अगले दिन पलट जाते हैं, देगा तो देगा कहाँ से रोजगार। और अगले दिन बीजेपी का मैनिफेस्टो आता है और उसमें लिखा होता है कि 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो क्या कहेंगे आप, रोजगार मिला है? रोजगार तो नहीं मिला है, हम लोग खुद सीटर पास करके बैठे हैं और रोजगार कहाँ मिला है? रोजगार नहीं मिल रहा है। जो नीतीश कुमार का बात है तो नीतीश कुमार रोजगार देने वाले नहीं है, उन पे विश्वास नहीं रहा हम लोग को। तो इस बार हम लोग को सरकार बदलना है, चाहे कोई भी आए, एलजेपी का सरकार बने या राजद का सरकार बने। एलजेपी का लग रहा है बन जाएगा? एलजेपी भाजपा के साथ बना सकती है जहाँ तक अनुमान लग रहा है। हाँ, नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे? नीतीश कुमार गठबंधन टूट जाएगा उनसे। गठबंधन टूट जाएगा, एलजेपी आपको लग रहा है मजबूत हो रही है? एलजेपी हाँ, पहले से मजबूत हो रही है। जंगल राज का आपने नाम सुना होगा, उस समय देखा नहीं होगा। नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि जंगल राज आ जाएगा, तेजस्वी पर नहीं, पहले का जो टाइम था दूसरा टाइम था और जो अभी का टाइम है जो अभी दूसरा टाइम है। जो पहले जो था टेक्नोलॉजी इतना आगे नहीं था, अभी टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ गया है, इसलिए अब जंगल राज लौटने वाला नहीं है। जंगल आप क्या कहेंगे रोजगार के मुद्दे पर? रोजगार लाना है चिराग पासवान को। चिराग पासवान को लाना है? चिराग पासवान को लाना है। तेजस्वी नीतीश की लड़ाई में चिराग कहाँ? चिराग है ना, एकदम है, न युवक है, हम लोग के लिए कुछ करेंगे। इसी गांव के हैं कैंडिडेट? क्या क्या स्थिति है? स्थिति बहुत अच्छा है। तेजस्वी तो कह रहे हैं 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे देंगे। कोई कुछ नहीं देगा, आ रहा है भाजपा और लोजपा। लोजपा लोजपा तो गठबंधन है, भाजपा ही लोजपा। लोजपा को तो बीजेपी अलग कर गई। कहाँ लग गई है? अलग कर दे, कहाँ अकेले चुनाव लड़ रही है लोजपा? गठबंधन में है, केंद्र में है ना। हमारे लिए लोजपा ही भाजपा है। भाजपा है, अगर लोक जनशक्ति पार्टी को वोट दे देंगे तो बीजेपी का कैंडिडेट हार जाएगा। हाँ, यहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट है, वहाँ पर एलजेपी का कैंडिडेट नहीं है। यहाँ जदयू है ना? यहाँ पर ठीक है, जदयू है तो गठबंधन में कौन है, बीजेपी और जदयू? तो हम लोग को नीतीश कुमार पसंद नहीं है, हमें मोदी और लोजपा चिराग पासवान हमें चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को मानते हैं? हाँ, प्रधानमंत्री आपके सबसे बड़े नेता हैं, बीजेपी के समर्थक भी लग रहे हैं। ठीक ठाक, तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि भारत का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? नहीं, हम लोग को नीतीश कुमार नहीं पसंद है, क्योंकि कुछ काम किए ही नहीं है, जो काम किए फ्लॉप काम किए हैं। 15 साल से राज कर रहे हैं, उसमें कोई विकास लोग ही नहीं रहे। जल नल का व्यवस्था की वो भी सही है, लेकिन टाइम से पानी आता नहीं है। क्या किए हैं, दारू बंद किए फिर भी दारू चालू है, बंद किए कहाँ है, कुछ नहीं किए हैं और पब्लिक को चुतिया बना रहे हैं। सहमत हैं इनकी बात से? जी एकदम एकदम सहमत है, हम लोग पूरे सहमत हैं। नीतीश कुमार कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। बीजेपी आएगी तो करेगी? हाँ, बीजेपी पे भरोसा है, कोई भी पार्टी पे भरोसा है, लेकिन नीतीश कुमार पे भरोसा नहीं रहा हम लोग को। नीतीश कुमार पर भरोसा? एकदम भरोसा नहीं है। आपका क्या लग रहा है, क्या स्थिति? स्थिति यही है कि यहाँ से लोजपा निकल रही है, ठीक है, पूरी पूर्ण बहुमत से निकल रही है। यहाँ कार्यकर्ता भी है क्या? जी बिल्कुल कार्यकर्ता है। और इस सीटवा को निकालने पर मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं? ये सीट नहीं, जहाँ जहाँ से लोजपा लड़ रही है वहाँ वहाँ से निकल रहा है। कितने सीटों पे लड़ रही है? 143 पे। जहाँ जेडीयू लड़ रही है, जेडीयू लड़ रही है, कई जगह बीजेपी के कैंडिडेट जहाँ लड़े हैं वहाँ भी लड़ा दी। नहीं, वहाँ पे नहीं लड़ी है, एलजेपी नहीं लड़ी है। जहाँ जहाँ बीजेपी के कैंडिडेट वहाँ पे एलजेपी नहीं। बीजेपी के कई नेता चिराग पासवान के बारे में बोल रहे हैं, अमित शाह ने बोला है। जी बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनका भी यही बयान था आज से कुछ दिन पहले कि लोजपा ही भाजपा है और भाजपा ही लोजपा है। इसका बयान था नीतीश कुमार का, सुशील कुमार मोदी का बयान था। मोदी जी को देखिए ना, बिहार में कितना जगह सभा किए हैं, कभी चिराग पासवान के बारे में कुछ बोले हैं? आप ही देखिए ना, कहीं कुछ नहीं बोले हैं। तो आपको लग रहा है क्या कि चिराग पासवान को धीरे धीरे बीजेपी खुद खड़ा कर रही है? एकदम कर रही है, अगर सरकार बनती है बीजेपी और अति का लोजपा का उप मुख्यमंत्री चिराग पासवान होंगे एकदम। चिराग पासवान हमारे लिए सबसे बेहतर। तेजस्वी आप भी युवा हैं, तेजस्वी कह रहे हैं युवाओं के लिए बहुत कुछ करेंगे, भरोसा नहीं। और आप क्या कहिएगा, हम आपको वीडियो दिखा सकते हैं जो वो किए हैं, वो कोई नेता कर सकता है? क्या किया है? अपने कार्यकर्ता को वो उनके साथ सेल्फी ले रहा था और अपने कार्यकर्ता को धक्का देकर पीछे फेंक दिए हैं, ऐसा कोई राजनेता कर सकता है? आप कोई भी राजनेता देखे चाहे कितना भी बाहुबली हो, कभी किया है ऐसा? जो अपने रहने वाले हैं जी, बिल्कुल
शाहबुद्दीन का गांव है प्रतापपुर। जी जी, जी। हाँ, आपने जी। देखा है शाहबुद्दीन को? हाँ, एक बार देखे हैं हमने। कैसे आदमी है? ठीक ठाक आदमी है, ठीक ठाक आदमी। तो वोट आप लोग देते थे? नहीं, हम कभी नहीं दिए हैं ना कभी देंगे। तो बाहुबली क्यों लोग कहते हैं? अब बाहुबली कहते हैं, उस समय तो अभी हम थे नहीं, यहाँ सुने हैं ना। हाँ, सुने हैं। क्या बाहुबली करते? बाहुबली कहते हैं लोग का। अब लोग के साथ अगर हम आपको कुछ करेंगे तो आप हमको क्या कीजिएगा? अब शब्द बोलिएगा ही बोलिएगा, ऐसा थोड़ी ना है। तो वो वैसा किए हैं तो उनको लोग बाहुबली बोलते हैं। और बाहुबली किस प्रकार से बोलते हैं? किसी को आप जाइए किसी को मार दीजिए तो बाहुबली हो जाएगा, अपराधी हो जाएगा ना? जी बिल्कुल अपराधी है। जो बाहुबली नजर में, आपके नजर में बिल्कुल हमारे नजर में वो अपराधी हैं और रहेंगे। अपराधी ना होते तो अभी तक वहाँ दिल्ली में नहीं रहते, तिहार में नहीं रहते। अपराधी नहीं होते तभी तक तिहार जेल में नहीं होते हैं। और रही बात हमारे लिए चिराग पासवान की, तो सबसे अच्छे अगर आने वाले समय के बिहार के सीएम बने चिराग पासवान तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। वो जानते हैं कि हमारा विकास कैसा करना है, उनको बिहार को बहुत आगे ले जाएंगे। बिहार जो पीछे है, चिराग पासवान आने के कारण बिहार बहुत आगे जाएगी। बोलते हैं लोग रोजगार, रोजगार चिराग पासवान के कारण बहुत आगे बिहार जाएगी। विकास की रफ्तार पर बैठा गोरखपुर, जो 2022 तक मिनी मेट्रो शहर में बदल रहा है, तो देर किस बात की। आज ही मेट्रो सिटी का हिस्सा बने और गोरखपुर शहर में घर या प्लॉट खरीदे। हमारे प्रोजेक्ट हैं अंशिका बिहार, निकट कुशमी जंगल, माणा पार, तिराहा। हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है लेक बूट, निकट फर्टिलाइजर, बैजनाथपुर। आज ही संपर्क करें पहल इंफ्रा मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, गोरखपुर। 4 सालों तक चिराग पासवान जो है चुप थे। चुनाव का समय आया तो नीतीश कुमार का विरोध। कोरोना काल में जो 5 किलो राशन मिल रहा है प्रत्येक आदमी का, रामविलास पासवान का ही ना देन से मिल रहा है कि नीतीश दिए हैं? क्या थे, बोलिए बोलिए। उद्योग मंत्री थे, बोल रहे हैं रामविलास पासवान ही ना 5-5 केजी हर गरीबों को चावल दे रहे हैं कि नीतीश दे रहे हैं? नीतीश कर उनके ऊपर आरोप ये लगता है कि वो हर सरकार में रहते हैं। नीतीश कुमार नहीं, नहीं, रामविलास पासवान जब तक जिंदा थे तो उन पर लोग यही कहते, आरोप लगाते थे कि हर सरकार में ही रहते हैं। हमें रामविलास पासवान से मतलब, मौसम वैज्ञानिक, हमें चिराग पासवान से मतलब है, हमें चिराग पासवान से मतलब है। ऐसा कौन नेता है सबसे ज्यादा नीतीश करते हैं, हर पार्टी में बदलते हैं, हर पार्टी से गठबंधन। पार्टी को सपोर्ट करते हो बाबू? लोजपा। हाँ, चिराग पासवान को सपोर्ट करना। क्या नाम है? मनोज कुमार सिंह। पिछले बार देखिए वो जाकर आरजेडी से मिल गए थे, उसके बाद आए बीजेपी में शामिल होकर अपना सरकार बनाए। वो दल बदलु है, जिधर पलड़ा भारी पड़ेगा उधर जाएंगे, इधर कमजोर पड़ेगा। पलटू चाचा भी बोले जाता है। कौन बोल रहा है? बिहार की सरकार, पूरे जनता बोल। सरकार किसकी बनेगी? लोजपा का ही बनेगी। लोजपा मंत्री कौन बनेगा? चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, उप मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारा नेता कैसा है? बिल्कुल, हमको विश्वास है कि अगर वो हमारा भाजपा और लोजपा अगर सीट बना सीएम बना रही है, अगर निकाल रही है यहाँ से, तो ये तय है कि चिराग पासवान उप मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे यहाँ न्यूरो संबंधी सुविधा उपलब्ध है, हृदय रोग से संबंधित इलाज, किडनी से संबंधित रोगों का इलाज, न्यूरोलॉजिस्ट की सुविधा, आईसीयू की सुविधा, वेंटिलेटर की सुविधा, इमरजेंसी की सुविधा, प्राइवेट वार्ड, साथ ही ओटी की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता है आरोही हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, जेल बाईपास रोड, रजनी मैरिज हाउस के सामने, गोरखपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 7266038474। आप हमें इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं 8115555912।